ग्रे एरिया, सेकंड इज ग्रे सेल, थर्ड ए बॉल फ्रॉम ब्लू। यदि मन में इसका आंसर आए तो आप इसको फाइंड आउट करना, नहीं तो है ही अपन। इन द रेड, कलर ही कलर नजर आ रहे हैं आपको। ग्रे एरिया, ग्रे सेल्स, ए बॉल फ्रॉम ब्लू, इन द ब्लूज और इन द रेड। नेक्स्ट आइए हमारा टर्न ओवर ए न्यू लीफ। लीफ कहते हैं पत्ती को, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। सेवन लिखिए, टेक लीफ फ्रॉम समबडी, समबडीज बुक। किसी की बुक से कोई लीफ लेना, कोई पत्ती लेना, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टेक ए लीफ फ्रॉम समबडीज बुक। नेक्स्ट लिखिए, पिंक एलिफेंट। नेक्स्ट आपकी फ्रेज है पिंक एलिफेंट। टेक लीफ फ्रॉम समबडीज बुक। पिंक एलिफेंट। नाइन देखिए, इन द रेड इन द ब्लू दे बॉट फ्रॉम द ब्लू। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है आपकी चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। टेक आफ्टर, इसका सिमिलर जो वर्ड है वो है रिजेंबल, के टेक आफ्टर का सिमिलर वर्ड है रिजेंबल। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ग्रे एरिया, ग्रे सेल्स, बॉट फ्रॉम ब्लू, इन द ब्लू, इन द रेड, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, और एक कलर और ले लेते हैं, बॉन्ड इन पर्पल या बॉन्ड इन ब्लू। उस साइड फिर बोर्ड क्यों जा नहीं रहा है? देखो इधर उस साइड जाते हैं तो बोर्ड का जो है उनको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं इधर आया। ग्रे एरिया, ग्रे सेल्स, ए बॉल फ्रॉम ब्लू, इन द ब्लू, इन द रेड। लीफ से याद रखना पत्ती, दो जगह हमने पत्ती को यूज किया, पिंक को यूज किया, ये है ना उस साइड वो एक्स्ट्रा जा रहा है, इसलिए मेरे का फिर प्रॉब्लम होती है। ग्रे एरिया, ग्रे एरिया का मतलब होता है किसी का कमजोर पक्ष, जैसे राजस्थान का कमजोर पक्ष है पानी की कमी। ग्रे एरिया किसी का कमजोर पक्ष, कोई भी कमजोर पक्ष हो सकता है, जैसे आपको कोई भी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने में आपका उतना ग्रिप नहीं हो पा रहा, वो आपका ग्रे एरिया है, कुछ भी हो सकता है ग्रे एरिया। राजस्थान का ग्रे एरिया स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। ग्रे सेल्स, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को फ्रेज में ग्रे सेल्स कहा जाता है और काफी जगह इसको पूछा है, जैसे एलन मस्क है दुनिया का रिचेस्ट भी है बुद्धिमान भी है, जिसने अपने बेस पर रॉकेट साइंस को पढ़ा और रॉकेट बना डाला और उसका प्रोजेक्ट कर दिया, इससे बड़ा बुद्ध ग्रे सेल्स कोई हो नहीं सकता है। ग्रे एरिया कमजोर पक्ष कुछ भी हो सकता है, हमारा वीक पॉइंट, हमारे स्टेट का वीक पॉइंट। ग्रे सेल्स, बुद्धिमान व्यक्ति। ए बोल्ड फ्रॉम ब्लू, ए बोल्ड फ्रॉम ब्लू, जिसको कहते थे बिजलियां गिर जाना। कल आपने न्यूज पढ़ी होगी, दिल्ली में 12 नवजात बच्चे थे, 7 जलकर राख हो गए एक हॉस्पिटल में। क्या उनके माँ बाप ने सोचा था कि ऐसा होगा? कभी नहीं सोचा था।
हमारे नवजात बच्चे न्यू बॉर्न बेबी इस तरह एक हादसे के शिकार हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो आकस्मिक और दुखद जो घटना होती है, सोच ही नहीं पाए किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुखद जो घटना होती है वो आपकी बॉर्न फ्रॉम ब्लू कहलाती है। जो दुखद घटना होती है वो बॉर्न फ्रॉम वो कहलाती है। सडनली एंड अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट इज नोन एज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। ब्लू कहते हैं आसमान को, बोल्ट कहते हैं बिजली चमकने को। कोई घूमने गया था, एक्सीडेंट हो गया। कोई वॉक पे गया था, ये बोल्ट फ्रॉम ब्लू हो गया बड़े आराम से। और जब ऐसा होगा, जैसे वो सात नवजात बच्चे जलकर राख हो गए, इंसिनरेट हो गए, तो उनका इन द ब्लूज कहलाएगा वो कार्यक्रम। यानी वो पूरा परिवार गमगीर हो जाएगा। उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी किसी को नहीं पता। वो पूरा का पूरा दुख में आ जाएगा, इन द ब्लूज हो जाएगा। ब्लू से दोनों कनेक्शन एक साथ, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। ए बॉल फ्रॉम ब्लू, आकस्मिक और दुखद घटना। इन द रेड, खतरे में होना या कर्ज में होना। पुराने लोग जब किसी को कर्ज देते थे तो वहां पर लाल वही भी लिखते थे, वो कर्ज में होना भी इसका आंसर है और खतरे में होना भी इसका आंसर है। इन द रेड, रेड काम में आ गया, ब्लू काम में आ गया, ग्रे कलर काम में आ गया, कलर कलर को यूज किया है। अब लीजिए पेड़ की पत्ती को, टर्न ओवर ए न्यू लीव। हम कोरोना से पूरा देश प्रभावित हुआ, एक नई शुरुआत करने को कहते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीव, एक नई शुरुआत करना। आइंदा रेड कर्जे में होना भी है और खतरे में होना भी है। इस समय क्या है, इंदा रेड ही है ना, पर इतनी तेज हीट है, इतने इंटेंस हीट है कि इंदा रेड ही है। किसी को सन स्ट्रोक हो सकता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और हो ही रहा है, इंदा रेड है। और पुराने लोग जब किसी को पैसा देते थे मोरगेजी, वो भही में लिखते थे, भाई का कलर लाल कलर का होता था। तो इन द रेड, कर्जे में होना, खतरे में होना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, पतझड़ आ गया, आपकी पत्तियां गिर गई। पत्तियां गिरने के बाद पतझड़ आया, फिर एक नई शुरुआत की पेड़ ने, एक नई शुरुआत करना। एग्जाम दिया, फेल हो गए, तो ऐसा थोड़ी इसको लेके बैठे रहेंगे। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, जैसे अक्षय कुमार कहता है कि मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होती है, मैं फ्राइडे को, सैटरडे को, ज्यादा से ज्यादा संडे तक इन द ब्लूज रहता हूँ। मंडे से वापस टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी एक नई शुरुआत करता हूँ, एक नया इनिशिएशन करता हूँ, एक नई जो है प्रोजेक्ट को लेता हूँ। टेक ए लीफ फ्रॉम समबडी बुक, किसी से होड करना, किसी से होड करना, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। होड करना, किसी से बराबरी करना। दो कंपनियां हैं मोबाइल की, या दो कार की कंपनी, एक मारुति है एक हुंडई है, दोनों आपस में होड़ करती है, इससे ये मॉडल निकाला वो उससे अच्छा मॉडल निकालती है। मोबाइल कंपनी, कोई भी कंपनियां एक दूसरे से क्या करती है, होड़ करती है। तो उसके होड़ करने के कार्यक्रम को कहते हैं टेक ए लीव फ्रॉम समबडीज बुक, किसी से होड़ करना, प्रतिस्पर्धा करना, बराबरी करना। दो लोग दौड़ रहे हैं तो टेक ए लीव फ्रॉम डियर बुक। दो फिल्में रिलीज हुई है, टेक ए लीफ फ्रॉम ईच अदर बुक। कौन किस पे भारी पड़ेगी किसको पता है, होड़ कर रही है, बराबरी कर रही है। फिर आया पिंक एलिफेंट, शराब पीने के बाद जो नशे की स्थिति होती है वो पिंक एलिफेंट कहलाती है, नशे की स्थिति। आपने कई रोड पर, कई नालियों में पिंक एलिफेंट बहुत सारे देखे होंगे। होली के दौरान, सेकेंड डे ऑफ होली, पिंक एलिफेंट रोड पे खूब रहते हैं। पिंक एलिफेंट शराब पीने के बाद जो स्थिति होती है, दैट इज नोन एज पिंक एलिफेंट। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ब्लॉक आपका पुराना है, चिप है उसमें, जैसे अपने कंप्यूटर पे होती है। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, पूर्वजों के गुण आना, पूर्वजों के गुण आना, या जिसको आप कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आसाराम का बेटा है नारायण साईं, आसाराम कलाकार है तो नारायण साईं उससे भी 10 कदम आगे है। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक,
बाप शराबी है, बेटा उससे बड़ा शराबी है, चिप ऑफ ऑल ब्लॉक। बाप कंजूस है, बेटा भी कंजूस है, सुपर कंजूस है, चिप ऑफ ऑल ब्लॉक। पूर्वजों के गुण आना, किसी भी वे में, नॉट निगेटिव वे में, किसी भी वे में गुण आना। महाराणा प्रताप के वंशज या जो भी इनके वंशज थे राजपूतों के, उनमें वीरता आई, ऑनेस्टी आई, उनमें बहादुरी आई, बिकॉज दे आर चिप ऑफ ऑल ब्लॉक। वो क्या थे? वो थे आपके, जिसे कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, चिप ऑफ ऑल ब्लॉक। टेक आफ्टर फेजल वर्ब है, रिजेंबल उसका वर्ड है। टेक आफ्टर फेजल वर्ब है, रिजेंबल उसका वर्ड है। सजीव संज्ञाओं में किसी के जैसा दिखाई देना, किसी के जैसा लगना। अब क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बहुत अच्छी। रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, जेडपी कर देता हूं। जेडपी का मतलब कर देना जीरो प्रपोजिशन। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन कहता है टेक आफ्टर आपका फ्रेजल वर्ब है, किसी के जैसा दिखाई देना, आवाज में, चाल ढाल में, एटीट्यूड में, शक्ल में। जैसे हमारे यहाँ कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो पहला जो डायलॉग होता है ये किस पर गया है, यानी पेरेंटल गया है, मदर पर, फादर पर। तो जो वर्ड बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी के संदर्भ में, उनका इनडायरेक्टली मतलब ही होता है टेक आफ्टर और रिजेंबल। ये किसको रिजेंबल कर रहा है? इसके साथ एग्जाम में लोग प्रपोजिशन टू और विथ लगाने की गलती करते हैं। ये जीरो प्रपोजिशन लेता है, ना टू लेता है, ना विथ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका गांधी रिजेंबल्स हर ग्रैनी लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रियंका गांधी अपनी माँ जैसी लगती है, दादी जैसी लगती है, वो लगती भी एक्चुअल में तो अपनी दादी जैसी लगती है। वो चाल ढाल, एटीट्यूड, कद काठी, वो जो है स्टेचर, वो अपनी दादी जैसी लगती है। तो दादी जैसा लगना रिजेंबल कहलाएगा। किसी की आवाज हो सकती है, किसी का एटीट्यूड हो सकता है, किसी का प्रेजेंटेशन होता है किसी के जैसे, लेकिन होगा सजीव संज्ञाओं में ओनली इन लिविंग नाउ। नॉन लिविंग में कुछ और बात करेंगे, आज बात नहीं करें उसकी। टेक आफ्टर और रिजेंबल, किसी के जैसा दिखाई देना, और बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू, शाही घराने में पैदा होना। PURPLE पर्पल यानी आपका पर्पल कलर, कुछ भी हो सकता है, शर्ट हो सकता है, सूट हो सकता है, ब्लू भी आपका कलर, जैसे ब्लू है, शाही घराने में पैदा होना। जैसे दिया कुमारी है तो बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू है। सिद्धिया है, बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू है। शाही घराने में, राजाओं के घर में पैदा होना, शाही और में पैदा होना, शाही रॉयल एम्बियंस में पैदा होना बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू कहलाएगा। शाही, वो पैसे वाला, वो पैसे वाला, वो मुकेश अंबानी पर लागू होगा। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, पैसे वाले घर में पैदा होना, इसका मतलब कुछ और, ये रॉयल फैमिली में पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिया कुमारी बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बॉर्न विद सिल्वर स्पून है। वो पैसे वाले घर में पैदा हुए, ये शाही घराने में पैदा हुआ। सिद्धिया है, दिया कुमारी है, और भी कोई जो शाही घराने से कनेक्टेड हो, जिनके राजा महाराजाओं का बैकग्राउंड रहा हो, वो इंसान बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू कहलाएगा। क्लियर? आइए, ग्रे एरिया, किसी का कमजोर पक्ष, किस बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, से चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, दिखाई देगा यहाँ से, बॉर्न विथ चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, सिल्वर स्पून। शाहरुख का बेटा, अमिताभ का बेटा, ये सब क्या है? बॉर्न विद सिल्वर स्पून है। इसीलिए कुछ नहीं कर पाई, ये पैसे वाले घर में पैदा होना। शाही अलग है, पैसे वाला अलग है, घर में पैदा होना। सेठ जी के घर में पैदा होगा, आपका बॉर्न विद सिल्वर स्पून कहलाएगा। और शाही रॉयल फैमिली में पैदा होगा, बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू कहलाएगा। रिजेंबल के साथ प्रपोजिशन टू नहीं आएगा, विथ नहीं आएगा। उस घर में पैदा हुआ, लेकिन वो अपनी मम्मा जैसी दिखती है या दिखता है, टेक आफ्टर या रिजेंबल, दोनों वर्ड्स को इम्पोर्टेंट कर लेना। दो क्वेश्चन है, दोनों वर्ड्स को वो क्लास डिस्टर्ब होगी, मैं खत्म कर दूं।
नहीं आप बैठ जाओ 5 मिनट में, वो फिर दोनों डिस्टर्ब होगी। तो देखिए आप ग्रे एरिया और ग्रे सेल्स बुद्धिमान व्यक्ति है, बॉर्न फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक और दुखद घटना, इन द ब्लूज गंभीर होना और कर्जे में होना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टेक लीफ फ्रॉम समबडीज बुक। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ग्रे एरिया दिमाग से निकाल देना इनका इंग्लिश, ग्रे एरिया किसी का कमजोर पक्ष, बुद्धिमान व्यक्ति ग्रे सेल्स, दो आकस्मिक और दुखद घटना, ए बॉल फ्रॉम द ब्लू, गंभीर होना इन द ब्लूज, खतरे में होना इन द रेड, टर्न ओवर ए न्यू लीफ एक नई शुरुआत करना, किसी से होर या बराबरी करना, टेक लीफ फ्रॉम समबडीज बुक, नशे की स्थिति में होना, पिंक एलिफेंट, पूर्वजों के गुण, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, किसी के जैसा दिखाई देना, टेक आफ्टर और रिसेंबल, शाही घराने में पैदा होना, बॉर्न विद पर्पल ऑब्लिक ब्लू, और पैसे वाले घर में होना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। 2 मिनट का रिपीटेशन। कमजोर पक्ष ग्रे एरिया, बुद्धिमान व्यक्ति आकस्मिक और दुखद घटना, बॉर्न फ्रॉम द ब्लू, गंभीर और दुखद स्थिति, इन द ब्लूज, कर जो भी होना, खतरे में होना, इन द रेड, नई शुरुआत करना, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, किसी से होड़ और बराबरी करना, टेक लीफ फ्रॉम समबडीज बुक, नशे की स्थिति में होना, पूर्वजों के गुण होना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, किसी के जैसा लगना, टेक आफ्टर और रिसेंबल के साथ क्या नहीं आएगा, जीरो प्रपोजिशन, और शाही घराने में पैदा होना, बॉर्न इन पर्पल ऑब्लिक ब्लू, और पैसे वाले घर में पैदा होना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। हम लेते हैं 10 मिनट का रेस्ट, ऑनलाइन में 10 मिनट का रेस्ट है, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। एक आप लोगों ने ले लिया ना, एक आप लोग रिजर्व कर रहे हैं, एक आप लोग चार वर्ड लिखे अपने एंटाइस, सॉरी अल्योर, टेम्प्ट, ल्योर और एंटाइस, लालच देना, इन सब के साथ एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम लिख लेना, इन सब के साथ ऑफ आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लालच देना या प्रलोभन देना, जैसे जियो ने हमको दिया था। नंबर 2 पर आइए, एटली हो गया, दूसरा नंबर डाल नाम डाल दिया मैंने, लिली, आलसी या सुस्त, खोल दिया फॉर्मूले को, पहला है लैंग्वेज, दूसरा है आइडियल, तीसरा है लेजी, चौथा वर्ड एग्जाम में आएगा या तो सिमिलर के लिए या अपोजिट के लिए, इंडोलेंट। कोई इंसान बाय नेचर आलसी है, जैसे शहर में रहने वाले ज्यादा लीली होते हैं बजाय गांव में रहने वालों के, और लेजी के साथ एक एक्सीलेंट वर्ड लेथार्जिक। इस समय आलसी के 5 वर्ड आपके सामने, फॉर्मूला डाल दिया, लीली लीली आलसी है, एटली लालच देता है, एटली से मिलता जुलता है कि उपयोग फॉर अदर वर्ड्स, कैडी, कैडी क्या करता है देख लेते हैं, सी ए डी आई काम का वर्ड है, काम का फॉर्मूला है कैडी, कैडी क्या करता है, मिलावट करता है, मावे में करो चाहे पनीर में करो, मिलावट करना, एटली लालच देता है, लीली आलसी है, कैडी मिलावट करता है, करवाओ मिलावट, कंटामिनेट, ये वर्ड तो आपके काम में ऐसे में भी आएंगे, मिलावटी पानी, अशुद्ध पानी, मावा, पनीर, कोई भी अपने मसाला, अडल्ट्रेट मिलावट करना, डॉक्टर मिलावट करना, डॉक्टर एज ए वर्ड मिलावट करना, और इम्प्योर, इसीलिए आपका अडल्ट्रेशन फूड वाला आता है, खाद्य अपशोषण अधिनियम, कंटामिनेट मिलावट करना, अडल्ट्रेट मिलावट करना, डॉक्टर मिलावट करना, इम्प्योर मिलावट करना, मावे में हो सकती है, पनीर में हो सकती है, पानी में हो सकती है, मसालों में हो सकती है, सब चीजें आजकल तो ऐसी आ रही है, कंटामिनेट, अडल्ट्रेट, डॉक्टर और इम्प्योर। कैडी गया, लिली गया, एटली गया, अब बुलाते एक और अंग्रेज को जिसका नाम डाल देते हैं फ्रेंच, फ्रेंच क्या करते हैं भाई साहब, ये चिंता करते हैं, घबराहट रहती है इनको, फ्रेंच का मतलब घबराना,
फ्रेंच का मतलब चिंतित होना, जो हमें वो एग्जाम से पहली होती है, चिंतित होना। अंग्रेजों के नाम आ रहे हैं आज, लेकिन हमारी तो वोकैब बढ़ रही है। पहला फिजिटी अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग भी देखते चलना, स्पेलिंग चेक भी आपके क्वेश्चन बनाता है आजकल। एंजाइटी, तीसरा वर्ड महा इंपॉर्टेंट, नॉन प्लस, चौथा वर्ड है जीट्री। जीट्री एग्जाम में आने की संभावना, नॉन प्लस एग्जाम में फिजिटी, एंजाइटी तो वैसे ही हमारी एंजाइटी हो गई, फिजिटी, एंजाइटी, नॉन प्लस और जीट्री। एटली हो गया, फ्रेंच हो गया, अंग्रेजों के नाम है, एटली लालच देता है, फ्रेंच चिंतित रहता है, लीली आलसी है, कैडी मिलावट करता है। और एक जब चार अंग्रेजों के नाम लिए तो एक हिंदी नाम भी डाल देते हैं, नाम से ही हमारी वोकैब तैयार करवाई है मैंने, नाम डाल दिया मीनू। मीनू के पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी ड्रेसेज हैं, बहुत सारे के लिए वर्ड आ रहा है। पहला वर्ड मैनी तो आपको आता ही है, लिख लो। दूसरा माइरियड, एक अच्छा वर्ड है। तीसरा इन्यूमेरेबल। चौथा न्यूमेरस, बहुत सारे। और पांचवा अमथीन, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कुछ भी, बहुत सारे सेक्शन, सेक्शन में लगा दो लो पे। चार नाम अंग्रेजों के डाले, एक नाम हमने जो है हिंदी डाल दिया। हमारी तो वोकैब इंप्रूव होनी चाहिए, देखो बोर्ड पर लगभग लगभग 20-22 वोकैब है, वो भी आपके कुछ सेकंडों की मेहमान है। ये होता है वोकैब को रोटेशन करने का तरीका। यदि देशी तरीके से वोकैब और एंटोनिम से रेडी भी याद करते हैं, याद ही नहीं रहते, वो कितना ही कर लो आप। जब हमारे घर में चूहे हो जाते हैं, चुपड़ी रोटी लगाते हैं चूहे को फंसाने के लिए, एल्योर, टेम्प्ट, ल्योर और एंटाइस। जब साइबर क्रिमिनल को हमें धोखा देना होता है, हमारा बैंक अकाउंट हैक करना होता है, तो वो हमें किसी न किसी बहाने लालच देते हैं कि आपके नाम इनाम निकला है, आपके 12 लाख की गाड़ी निकली है, आप अपना ATM या अपना बैंक अकाउंट नंबर डिटेल को दे ताकि हम ट्रांसफर कर सके। बिना लालच दिए, बिना हम कोई फंसते नहीं, ये हमारी भी प्रॉब्लम है। तो आप इन 4 वर्ड्स को साइबर क्रिमिनल्स भी ले जा सकते हैं। अल्योर, टेम्प्ट, ल्योर और एंटाइस, किसी को लालच देना, किसी को प्रलोभन देना, किसी को किसी चीज के लिए आपका प्रलोभन देना। अल्योर हो गया, टेम्प्ट हो गया, ल्योर हो गया, एंटाइस हो गया। इनके साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, इनके साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा। अल्योर, टेम्प्ट, ल्योर और एंटाइस। वह मुझे सोने की घड़ी का लालच दे रहा है। ही इज एंटाइसिंग मी ऑफ ए गोल्डन वॉच। टेम्पटेशन एक परफ्यूम भी आता है। अल्योर और ल्योर काफी जगह यूज होता है, जैसे किसी छोटी बच्ची के साथ कोई इंडिसेंट एक्ट घटित होता है तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ना कि उसे आइसक्रीम का लालच दिया गया था, उसे आइसक्रीम का लालच दिया गया, शी हैड बीन एंटाइज्ड ऑफ एन आइसक्रीम। कुछ भी आएगा, जो भी लालच दिया, जो भी प्रलोभन दिया, जिसके झांसे में वो आ गई, वो आपका ल्योर, टेम्प, ल्योर और एंटाइस कहलाएगा। फॉर्मूला एटली। दूसरा लीली आलसी, लैंग्विड, आइडियल, लेजी, लेथार्जिक और इंडोलेंट। यदि हम रूरल ड्वेलर और अर्बन ड्वेलर का कंपेरिजन करें, शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले लोगों का यदि हम बाकायदा इम्बायस कंपेरिजन करें, तो हमें पता चलेगा कि गांव वाले, शहर वाले लोग जो है लिली होते हैं, लैंग्विड होते हैं, आइडियल होते हैं, लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, इंडोलेंट होते हैं। क्योंकि तो गांव वाले लोग राइज विद लार्क, सूरज से पहले उठते हैं, और शहर वाले लोग उठ भी जाए नहीं भी उठ जाए कोई गारंटी नहीं है, उनको धूप से परेशानी है, गांव वालों को नहीं है। लैंग्विड, आइडियल, लेजी, लेथार्जिक, इंडोलेंट, जो काफी बीमारियों का रीजन है, द रूडिमेंट्री रीजन ऑफ द मैनी डिजीज लाइक डायबिटीज, लाइक बीपी, लाइक अस्थमा, आर यू कैन से आवर लेथार्जिक नेचर, आवर लेजी नेचर, आवर इंडोलेंट नेचर, आवर आइडियल नेचर, आवर लैंग्विड नेचर। मिलावट करना, लगभग हर चीज मिलावटी है, कंटेमिनेटेड है। पानी कंटेमिनेटेड हो चुका है, हमारा पीने वाला पोटेबल कंटेमिनेटेड है। हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं, इडिबल थिंग्स, कमेस्टिबल थिंग्स, मावा हो, पनीर हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, वो भी कंटेमिनेटेड आती है। इसीलिए आजकल कैंसर के रोगी,
जैसे कहते हैं सर्ज कर रहे हैं, सर्ज का मतलब दूरी रात चौगुनी तरक्की से वो जो है वो हो रहा है, कंटेम्परेट है, अडल्ट्रेट है, डॉक्टर है, इम्प्योर है, सारी इडिबल थिंग्स, सारी कमेस्टिबल थिंग्स, मावा, पनीर, दूध, घिया, ये हमारा वाटरमेलन, सबका सब कंटेम्परेटेड है, अडल्ट्रेट है, डॉक्टर है, इम्प्योर है, इसीलिए वो आता है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, अडल्ट्रेट वहीं से डेवलप हुआ है। डॉक्टर एज ए वर्ब काम करेगा तो यही काम करेगा, डॉक्टर का यही काम है, कंटेम्परेटेड का यही काम है, इम्प्योर का यही काम है। तो आपका मिलावट करना, आपका जिसे कहते हैं आपका ये करना डॉक्टर कहलाएगा, और आपका कंटेम्परेटेड, अडल्ट्रेट और डॉक्टर मिलावट करना आपका जिसे कहते हैं इम्प्योर कर देना। कैडी मिलावट करता है, लीली आलसी है, एंटी लालच देता है, फैन घबराहट होती है। आपने कहा इंटरव्यू से पहले मुझे घबराहट होती है, आई फील फिजिटी बिफोर इंटरव्यू, आई फील एंग्जाइटी बिफोर इंटरव्यू। एंग्जाइटी तो डॉक्टर लिखता ही लिखता है, जनरली जिनको जब डिप्रेशन में इंसान चला जाता है तो एंग्जाइटी लिखता ही लिखता है। आई फील नॉट प्लस, आई फील जीटरी, जीटरी काफी जगह यूज होता है। मुझे इंटरव्यू से पहले घबराहट होती है मेरे आत्मविश्वास की कमी के कारण, आई फील जीटरी ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर इंटरव्यू। जीटरी होती है या नॉन प्लस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में अच्छा रोल निभाता है। नॉन प्लस, एटली ने लालच दिया, लेली आलसी है, कैडी मिलावट करता है, फैंस को घबराहट होती है, और मीनू के पास बहुत सारी ड्रेसेज हैं, मीनू ड्रेसेज भी है छोटा रास्ता में, मीनू के पास बहुत सारी किताबें हैं, मैरी इज ए कॉमन वर्ड, इसको ग्रामर में पढ़ेंगे, इसको वोकैब सेक्शन से हटाते हैं, माइरियड, इन्यूमेरेबल, न्यूमेरस और अमथीन। आप ऐसे लिख रहे हैं कि अपराध के बहुत सारे कारण होते हैं, देयर आर मीनू रीजंस ऑफ सॉरी क्राइम्स, देयर आर माइरियड रीजंस ऑफ सॉरी क्राइम्स, इन्यूमेरेबल, न्यूमेरस और अमथीन। अमथीन एग्जाम काफी क्वेश्चन बनाता है इसको, और आंसर भी चारों में से कोई एक वर्ड दे देता है, वो एग्जाम का दायरा मुझे पता है, वो जाता नहीं है, क्रॉस नहीं करता है, तो वो बहुत सारे अमथीन कहलाएगा, न्यूमेरस कहलाएगा, इन्यूमेरेबल कहलाएगा, माइरियड कहलाएगा और मैनी कहलाएगा, बहुत सारे या हस्से बहुत सारे यूज करेंगे। मैनी का ग्रामर पॉइंट बहुत शानदार आएगा जो आने वाला है, आने वाली एक दो क्लासेस में। माइरियड बहुत सारे, इन्यूमेरेबल बहुत सारे, न्यूमेरस बहुत सारे, अमथीन बहुत सारे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव अमथीन फ्रेंड्स, न्यूमेरस फ्रेंड, इन्यूमेरेबल फ्रेंड्स, माइरियड फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स ही बोलेंगे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बोलना ग्रामर को परेशान करता है, क्यों परेशान करता है आगे की बात है, लेकिन आई हैव मैनी फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, आई हैव माइरियड फ्रेंड्स, इन्यूमेरेबल फ्रेंड्स, न्यूमेरस फ्रेंड्स और अमथीन फ्रेंड्स बोलना ग्रामेटिकली अलाउड है। आई हैव मैनी बुक्स, मैनी फ्रेंड्स, कुछ भी, मैनी ड्रेसेस, ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलना अलाउड नहीं है, क्यों बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल हम आते हैं एटली पर। लालच देना ग्रामेटिकल पॉइंट, प्रपोजिशन ऑफ लेगा, लीली आलसी है, लैंग्वेज आइडियल लेजी लेथार्जिक और इंडोलेंट, जाने दो लिली को, इसका उल्टा भी घूमेगा। कंटेमिनेट, अडल्ट्रेट, डॉक्टर और इम्प्योर, मिलावट करना, कैडी मिलावट करता है, फैन चिंतित रहता है, उसको घबराहट जल्दी होती है, घबराता जल्दी है, इसलिए फिजिटी, एंग्जाइटी, नॉन प्लस और जिटरी होती है, और क्यों घबराता है वो, उसका रीजन बता देता हूँ मैं, वो पीसीबी के पेपर को देख के घबराता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर जब आता है ना वो देख के उसको घबराता है, तो चार बार और जोड़ दो, कहानी खत्म हमेशा के लिए। परप्लेक्स घबराना, पजल घबराना, सी वाला वर्ड एग्जाम में आता है, कंफाउंड घबराना और बीविल्डर घबराना, ये लोग कहानी खत्म। फेंज पीसीबी के पेपर को देख के घबराता है, चार वर्ड और आपके सामने। पजल पहेली भी होती है और पजल आपका जिसे कहते हैं घबराना भी होता है, चक्कर में पड़ जाना, कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज बीडी का भाई बंद है, कंफाउंड के ओब्लिक में कंफ्यूज भी कर लो, सारी बारात ही खत्म हो, कंफ्यूज भी कर लीजिए ताकि सारा झंझट ही खत्म हो। परप्लेक्स, पजल, कंफाउंड, कंफ्यूज और बिविल्डर। फ्रेंच पीसीबी के पेपर को देख के घबराता है, विजिटी, एंग्जाइटी, नॉन प्लस और जिटरी, बातों ही बातों में आपने 9 वर्ड्स कवर कर लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर टफ आया था, स्टिफ आया था, उसको देखकर फैज घबरा गया, पीएमटी नीट की परीक्षा दे रहा था। परप्लेक्स, पजल, कंफाउंड, कंफ्यूज और बेविल्डर।
इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी की सारी वर्ब है पांचों, उसमें फील लगाना पड़ेगा। वो चार वर्ब नहीं है, उनको यदि वर्ब बनाना है तो पहले आपको फील लगाना पड़ेगा कि पांचों की पांचों वर्ब है। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम परप्लेक्स, आई एम कंफाउंडिंग, मुझे घबराहट हुई थी कल, आई कंफ्यूज, आई पजल्ड, आई बिविल्डर यस्टरडे। किसी के भी कारण, कोई आपका पर्स खो गया, वॉलेट खो गया, चेन खो गई, बाइक खो गई, तो वो जो बॉडी में बीपी बढ़ता है और धड़कनें बढ़ती है, वाइब्रेशन करता है पूरा बॉडी, वो परप्लेक्स, पजल, कंफाउंड, कंफ्यूज और बिविल्डर कहलाता है। एटली लालच देता है, लीली आलसी है, कैडी मिलावट करता है, फैज को घबराहट होती है और बीनू के पास बहुत सारे कपड़े हैं। आइए रिपीटेशन मोड में डाल के चले नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आइए लालच देना बोलते चलिए, एल्योर, टेम्प्ट, ल्योर, एंटाइज, प्रपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा, आलसी, लीली, लैंग्वेज, आइडियल, लेजी, लेथार्जिक, इंडोलेंट, इंडोलेंट आने की संभावना, अच्छी, अच्छा वर्ड है, कैडी मिलावट करता है, कंटामिनेट, अडल्ट्रेट, डॉक्टर, इम्प्योर, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है, मावा, पनीर, ईटीसी, कुछ भी, सब मिलावटी है। फैज को पीसीबी का पेपर देख के घबराहट होती है, विजिटी, एंजाइटी, नॉन प्लस, जिट्री, परप्लेक्स, पजल, कंफाउंड, कंफ्यूज, बिविल्डर, पजल एज ए नाउन, पहेली, एज ए वर्ब, घबरा जाना। और मीनू के पास बहुत सारे कपड़े हैं, बोलिए, माइरेट, मैनी, इंड्यूमेरेबल, यूमेरास और अम्थी। क्लियर वोकैब सेक्शन, कल वाली वोकैब याद है सबको? अभी बात कर लेते हैं कल वाली को लेकर, देखते हैं क्या कहते हैं और आज चलते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर बी देखते हैं क्या कहता है हमसे आज, क्या उम्मीद करता है। देखिए आज का पहला प्रेजेंटेशन नंबर टू, आज हमें जो संबंध फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है कि कंपैरेटिव डिग्री और आर्टिकल का आपस में क्या रिलेशन है, कंपैरेटिव डिग्री और आर्टिकल का क्या रिलेशन है, ये संबंध भी हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या कहता है आज का ग्रामर। आर्टिकल का और हमें आज कंपैरेटिव डिग्री का एक संबंध फाइंड आउट करना है, क्या कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल लेती है, लेती है तो कौन सा, नहीं लेती है तो कौन सा, और क्या हमेशा लेती है, क्या हमेशा नहीं लेती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, कंफ्यूजन होने की संभावना 99.99%। पहला कहता है यू आर देन शाम, बट इज जुडिशियस देन यू, यहाँ पर आपको टाल की कोई डिग्री बढ़नी है फर्स्ट में, जुडिशियस को आपको कुछ भी लगा के जो है यूज करना है, मोर भरना है या द मोर भरना है, फाइंड आउट कर लेना। टाल की कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, आर्टिकल लगाना है या नहीं ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है, लगाना है तो क्यों, नहीं लगाना है तो क्यों, ही इज, यहाँ पर फिर हमें टाल की कंपैरेटिव डिग्री भरनी है, यहाँ पर हमें जिसे कहते हैं पावरफुल से पहले मोर या द मोर का यूज करना है या नहीं करना, या द मोस्ट, तीन ऑप्शन देता हूं मैं आपको, इससे पहले आप मोर भरेंगे, द मोर भरेंगे या द मोस्ट भरेंगे, इससे पहले आप टालर भरेंगे या द टालर भरेंगे, दिमाग में एक क्वेरी पैदा कर लेगा, टालर या द टालर भरेंगे यहाँ पर या नहीं भरेंगे, डिग्री लेंगे वो सॉरी आर्टिकल लेंगे या नहीं लेंगे, और फिफ्थ वाली कहानी बहुत खतरनाक, बहुत इम्पोर्टेंट, कोई किसी से कहता है जितना ज्यादा मैं कमाता हूँ उतना ज्यादा तुम खर्च कर देती हो या कर देते हो, यू स्पेंड, ऐसा वो कहता है। अब ये कहता है यहाँ पर आप मोर को यूज करेंगे या द मोर को यूज करेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन है, दो ऑप्शन और कोई सा दे देगा वो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आई अर्न, यू स्पेंड, यहाँ पर तीन चीजें पैदा होगी और तीनों महा खतरनाक, जिसमें गलती होने की संभावना ज्यादा, जितना ज्यादा मैं कमाता हूँ उतना ज्यादा तुम खर्च कर देती हो या कर देते हो,
जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हमको ठंडक महसूस होती है। यहाँ पर ऊंचे के लिए हाई को यूज करना है, हायर यूज करेंगे या द हायर यूज करेंगे, ये हमारी कहानी है। और कूल को कूलर यूज करेंगे या द कूलर यूज करेंगे, कूल को कूलर या द कूलर। कंपेरेटिव डिग्री की कहानी चल रही है, कल आपने कंपेरेटिव डिग्री की कहानी पढ़ी, उसको मैं रिपीट करता हूँ। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? दो लोगों में यूज होती है। पहली बात, ईआर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है। दूसरी बात, यदि वो शब्द कह देता है भाई मेरा तो ईआर नहीं बनता है, तो हम बोर लगाकर उसका कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं। वो शब्द साफ साफ मना कर देता है कि मेरा तो ईआर नहीं बनता है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, बोर लगा ले। अब आज एक कहानी पैदा होती है कि कंपेरेटिव डिग्री और आर्टिकल का आपस में क्या संबंध है। यानी आज आप दो तीन पॉइंट आर्टिकल के भी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल के भी दो तीन पॉइंट यहां से कहता हूं। एक कंपेरेटिव डिग्री प्लस आर्टिकल का आपस में क्या संबंध है, ये है आज का हमारा पहला ग्रामेटिकल पॉइंट। क्या कंपेरेटिव डिग्री हमेशा आर्टिकल लेती है? लेती है तो कौन सा? क्या कंपेरेटिव डिग्री कभी आर्टिकल नहीं लेती है? किसी भी स्थिति में क्या कंपेरेटिव डिग्री आर्टिकल नहीं लेती है? नहीं लेती है तो क्यों? लेती है तो क्यों? ये कहानी यहाँ पर बोर्ड पर हमें डिस्कस करनी है। यू आर देन श्याम, आप श्याम से बड़े हो। हमने यहाँ पर टॉलर भर दिया, एक कंपेरेटिव डिग्री भर दी, दो लोगों में कंपेरिजन कर दिया, देन आ गया, यू एक इंसान है, श्याम एक इंसान है, दो लोगों में कंपेरिजन कर दिया। ताल कहता है कि मेरा ईआर बनता है तो बना दो, कहानी खत्म करो। वो कहता है लेकिन तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, ये दूसरा सेंटेंस कहता है। तो जुडिशियस कहता है मेरा ईआर नहीं बनता है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बोर जुडिशियस कर देते हैं, कहानी खत्म। ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है। ईआर वाली कंपेरेटिव डिग्री ये है, बोर वाली कंपेरेटिव डिग्री ये है। यहाँ बोर क्यों लगाया? क्योंकि इससे मना कर दे कि मेरा ईआर कहाँ बनता है, दो लोगों में कंपेरिजन कर दिया। बट ही इज मोर जुडिशियस देन यू, वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। इस तो 25वीं हो गया। ही इज देन राम, इंटेलिजेंट कहता है मुझे कंपेरेटिव डिग्री बनाकर यहाँ पेश करो। कर दिया, बोले भाई साहब आपका ईआर नहीं बनता है, मोर इंटेलिजेंट करना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना पड़ेगा? मोर इंटेलिजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तो हमारा ईआर नहीं बनता है। ही और राम भी कंपेयर हो गया, दो लोग हो गए, कंपेरिजन में देन आ गया, बिल्कुल आ गया। इंटेलिजेंट ने बोला मेरा ईआर नहीं बनता है, तो हमने मोर लगाकर उसको इंटेलिजेंट बना दिया, कंपेरेटिव डिग्री बना दी, दो लोगों में हमने कंपेरेटिव डिग्री भर दी, बहुत आराम से। टाल का ईआर बनता है, बना दिया। इंटेलिजेंट ने बोला मेरा ईआर नहीं बनता है, बोर्ड लगा दिया। जुडिशियस कहता है मेरा ईआर नहीं बनता, अपने बोर्ड लगा दिया। अब कहानी आती है थर्ड के पास। ये कहानी वेरी वेरी सेवन सेवन स्टार रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ पर कंफ्यूजन और गलत होने की संभावना 100% और 99%, वो खुद देख लीजिए आप। ही इज ऑफ द टू स्टूडेंट, वो दो छात्रों में लंबा है। किसी ने बोला तो लंबा है, अब तक पढ़ते आए हैं, ऐसा करो टॉलर कर, बिल्कुल वो तो करना ही है। लेकिन यहाँ पर एक रूल और फॉलो होगा, यदि किसी वाक्य में दो का संदर्भ आ गया, दो का ही आएगा, तीन का तो आएगा नहीं, तो उस वाक्य में जो कंपेरेटिव डिग्री आएगी वो दे लेकर आएगी। क्वेश्चन 99% यहीं से आता है, वो क्वेश्चन बनता ही नहीं, वो तो कोई भी तुक्का मारता है तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड पर जाइए, बड़े ध्यान से देखिए क्या चेंज हुआ यहाँ पर। शी इज द ऑफ द टू स्टूडेंट ऑफ ग्रामर, यहाँ पर दो रूल को तोड़ती है, दो रूल का विध्वंस करती है ग्रामर यहाँ पर, दो रूल का वोलेशन करती है ग्रामर यहाँ पर। क्या? टू के साथ 99% केसेस में कभी दे नहीं आता है, यहाँ पर दे लगा रखा है। पहला रूल विध्वंस करती है ग्रामर खुद अपने हाथों से। टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के साथ, वन के साथ कभी भी दे नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर टू भी दे ले रहा है और सीडी के साथ भी दे नहीं आता है, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री भी दे ले रही है। इस रूल को इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि ग्रामर अपने ही हाथों से दो रूल का विध्वंस करती है, सर्वनाश करती है, उसको डायनामाइट करती है। दो रूल को देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो 99% लोग, या मैं बोलूँ 99.99% लोग टॉलर भरेंगे, क्योंकि जनरल एक्सेप्ट जनरल थिंकिंग है कि
सीढ़ी तो बड़ी है, दो स्टूडेंट है, दो में सीढ़ी आती है, वो हम भी कहते हैं, लेकिन एक पावर के साथ। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री दे लेगी और 100% लेगी, वही कहानी आपकी आगे है। अकबर वाज पावरफुल किंग ऑफ द टू किंग्स, अकबर दो लोगों में ज्यादा पावरफुल किंग था। पावरफुल कहता है मेरा ईआर नहीं बनता, तो आपका पहला काम तो ये कर दिया कि आपके आगे बोर्ड लगा दिया और आपको सीढ़ी बना दी। पावरफुल कहता है अपना ईआर नहीं बनता, नहीं बनता तो पहला काम, सबसे फर्स्ट काम है कि पावरफुल। लेकिन एक कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि इस समय ग्रामर पावर उसके पास है, इस समय ग्रामर पावर इसके पास है, द टू के पास है ग्रामर पावर। ये द टू कहता है मैं इसको जो है कहूंगा वो इसे करना पड़ेगा। द टू क्या कहता है कि यदि आपने कंपेरेटिव डिग्री यूज की है, वो तो करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, तो ऐसी कंपेरेटिव डिग्री के साथ आपको द लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऑफ द टू यदि वाक्य में आ गया, ऑफ द टू का संदर्भ यदि वाक्य में हो गया, तो ऐसा टू भी द लेगा और ऐसी कंपेरेटिव डिग्री भी आपकी द लेगा। दूसरा खतरनाक शानदार डायनामिक पॉइंट है ग्रामर का, जो ग्रामर अपने ही हाथों से अपने रूल का विध्वंस कर रही है। जो रूल यहाँ पर था ऊपर, उसी का विध्वंस कर रही है ग्रामर नीचे वाले पॉइंट में। तीसरे रूल को बड़े ध्यान से देखो, आई अर्न, जितना ज्यादा मैं कमाता हूँ उतना ज्यादा तू खर्च कर देती हो। बोले सर बहुत बार सुना है, बहुत बार यूज किया है, यस मैं आ गया ना, दैट टू किंग्स ही इज द टू स्टूडेंट, दैट टू किंग्स अभी दे लगाना पड़ेगा, वो रह गया, दैट टू आएगा। थर्ड लिख लो एक बार, फिर इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फोर्थ वाला कहता है, जैसा जनरली अपन बोलते हैं कि कई बार आप बोलते हो सर जितना ज्यादा मैं याद करता हूँ उतना मैं भूल जाता हूँ, बोलते हो नहीं बोलते? वही गाड़ी आज अंग्रेजी में बोल के देखो कि यार मैं जितना ज्यादा याद करता हूँ उतना मैं भूल जाता हूँ, क्या चक्कर है, कल मैंने 50 सेक्शन याद किए थे, मेरे को तो 5 ही याद नहीं है। वही गाड़ी यार यूज करिए, जितना ज्यादा मैं कमाता हूँ उतना ज्यादा तुम खर्च कर देते हो। ग्रामर सेक्शन पर आइए, यहाँ पर जो आपका है कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है, पर जितना ज्यादा द मोर, यहाँ कंपेरिजन भी नहीं हो रहा है, देखो कंपेरिजन किसका है, बात ही कुछ हो रहा है, लेकिन सिटी से शुरुआत होगी, जितना ज्यादा मैं कमाता हूँ द मोर, दोनों जगह द मोर आएगा। जितना हम ऊपर जाते हैं, जितना अपन ऊपर जाते हैं, ऊपर की साइड जाते हैं, उतना अधिक ठंडक फील होती है। बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, द हायर वी गो, जितना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं द कूलर, उतना ही हमें ठंडक महसूस होती है, उतना ही हम ठंड फील करते हैं। 6 के 6 पॉइंट को एक बार देख लो और इनकी ग्रामर पावर हम लाते हैं। 1 से लेके 6 तक हमने सिर्फ और सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री को यूज किया है, 1 से लेके 6 तक, लेकिन 3 विधा पर आ रही है ये। पहले में सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री है, बच्चों वाली डिग्री है, जो बचपन से लेकर आज तक सीखा या नहीं सीखा वही कहानी है। दो लोगों में कंपेरिजन किया, टालर भर दिया। जुडिशियस कहता है मेरा ईआर नहीं बनता, उसको बोर्ड से कंपेरेटिव डिग्री बना दिया। दूसरे में कहानी पैदा होती है कि इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट नहीं बनता है, की और राम के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, इसलिए हमने मोर इंटेलिजेंट कह दिया। चलो एक कहानी है, इससे कनेक्ट होती हुई दो शानदार कहानियां पैदा होती हैं। इसी से कनेक्शन क्या कहती है दूसरी कहानी, कि आपको दो स्टूडेंट्स में बड़ा छोटा सुंदर बदसूरत कुछ भी बताना है तो आएगी तो 99% कंपेरेटिव डिग्री, ये तो सबको पता है, आएगी तो 99% कंपेरेटिव डिग्री। लेकिन ऐसी कंपेरेटिव डिग्री से पहले दया आएगा, और स्टूडेंट जो आपने दो बताए हैं, 3 तो आप बता ही नहीं सकते, 4 तो आप बता ही नहीं सकते, ऐसी आपका जो है 2 से पहले भी दे आएगा। अकबर वाज द मोर पावरफुल किंग ऑफ द टू किंग्स, कहानी गया पावरफुल के पास, भाई साहब क्या चाहिए आपको, ईआर या मोर? तो पावरफुल ने कहा कि ईआर तो मेरा बनता ही नहीं है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मोर पकड़ो, हो गया एक काम। तो फिर वापस गए द टू के पास, द टू ने कहा कि यदि मुझे वाक्य में बुलाना है, मुझे वाक्य में बुलाना है, टू को यूज करना, आपने जिद पकड़ रखी है टू को यूज करना है, तो मैंने भी जिद पकड़ रखी है, मुझे भी दे दो और जिस कंपेरेटिव डिग्री को आप बुला रहे हो उसे भी दे दो। ये टू ने जिद पकड़ रखी है कि जिस कंपेरेटिव डिग्री को आप बुला रहे हो उसे भी आपको दे देना पड़ेगा और मुझे भी दे देना पड़ेगा। अभी इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में मैं डाइवर्ट करता हूँ। अकबर वाज द पावरफुल किंग ऑफ द टू किंग्स, अकबर दो राजाओं में सबसे पावरफुल था। कहानी बन गई कि कोरोना दो बीमारियों में ज्यादा खतरनाक है, क्या सेंटेंस बनेगा? कोरोना दो बीमारियों में ज्यादा खतरनाक है,
Corona is the more dangerous disease of the two disease. कोरोना दो बीमारियों में ज्यादा खतरनाक है और उसमें वैसे बोलोगे आप कि कोरोना स्वाइन फ्लू से ज्यादा खतरनाक है. कोरोना इज मोर डेंजरस देन स्वाइन फ्लू. वहां पर दे नहीं आएगा. तीसरे पे आइए. तीसरे में जितना ज्यादा मैं तुम्हें डांटता हूं यार उतना ही तुम रोते हो. द मोर आई स्कोल्ड यू द मोर यू वीप. जितना ज्यादा मैं कमाता हूं उतना ज्यादा तुम खर्च कर देते हो. मैं लाख कमाऊ तो तुम खर्च कर देते हो और 10 कमाओ तो तुम खर्च कर देते हो. द मोर आई अर्न द मोर यू स्पेंड. दोनों भागों में सीडी दोनों में दे. ये दो भागा बेटा है वो भी दो भागा बेटा है. दो सेक्शन से कवर हो रहा है एक आर्टिकल से एक सीडी से. तो आर्टिकल और कंपेरेटिव डिग्री का संबंध देखिए आप. और तीसरा आपने कहा था हायर वी गो जितना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं द कूलर वी फील उतना ही ज्यादा हम ठंडा महसूस करते हैं ठंडक महसूस करते हैं. जितना ज्यादा मैं याद करता हूँ उतना ज्यादा मैं भूल जाता हूँ. द मोर आई रिमेम्बर द मोर आई फॉरगेट. कहानी का बेस समझ में आ गया. अब इसको ग्रामेटिकल एक्सेप्ट में कन्वर्ट करिए और हेडिंग है हमारा कि हमारा कंपेरेटिव डिग्री और आर्टिकल का क्या कोई संबंध है. क्या कंपेरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल आता है हमेशा आता है या नहीं आता. किन पोजिशंस में आता है किन पोजिशंस में नहीं आता. इसको मैथमेटिकल अंदाज में हम प्रेजेंट करते हैं. आर्टिकल और कंपेरेटिव डिग्री का संबंध आपस में क्या कहता है. देखिए इसका पहला पॉइंट कंपेरेटिव डिग्री सामान्यतया. पहला पॉइंट है यही पर तैयार करना है आपको. कंपेरेटिव डिग्री सामान्यतया यानी इसका परसेंटेज डाल लेना सामान्यतया 98% केसेस में आर्टिकल नहीं लेती है. आप जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप ऐसे ही बोलोगे 98% केसेस में कोई आर्टिकल नहीं लेती है. ना ए लेती है ना एन लेती है ना दे लेती है. कंपेरेटिव डिग्री सामान्यता 98% में कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करती है. कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करती है. ना ए लेती है ना एन लेती है ना दे लेती है. सामान्यता 98% में कोई आर्टिकल यूज नहीं करती है. कुछ भी कह लीजिए आप कुछ भी कह लीजिए आप. महाराणा प्रताप एक सिंपल सा सेंटेंस. वाज वाज ब्रेवर ब्रेवर यूज करोगे आप. नॉट ए ब्रेवर ब्रेवर देन अकबर. आपने रूल को कॉरपोरेट कर दिया एग्जाम्पल से. महाराणा प्रताप वाज ब्रेवर देन अकबर. हाँ वहां पर आप यहीं पे रुक जाते तो ये ब्रेव उबर का ब्रेव हो जाता और ए ब्रेव की या कुछ भी हो जाता. महाराणा प्रताप अकबर से ज्यादा शक्तिशाली बहादुर थे. ब्रेवर कंपेरेटिव डिग्री देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल. ना ए आएगा ना एन आएगा ना दे आएगा. यहां पर दूसरे केसेस को आइए मगर 2% केसेस में लेती है. 2% केसेस में 2% केसेस में ये आर्टिकल का यूज करती है. आर्टिकल का प्रयोग करती है और दोनों बार ही दे. ये इंपॉर्टेंट ए और एन से इसका कोई लेना देना नहीं. प्रयोग करती है 2% केसेस में ये आर्टिकल का प्रयोग करती है. ए वाला क्या कहता है. यदि यदि वाक्य में ऑफ दैट टू का प्रयोग हुआ हो. पहले ये लिखेंगे ऑफ दैट टू का प्रयोग हुआ हो. उसके बाद कुछ भी आ सकता है. ऑफ दैट टू का प्रयोग हुआ हो उसके बाद नाउन कुछ भी बॉयज हैं गर्ल्स हैं. यदि वाक्य में ऑफ दैट टू प्लस नाउन का प्रयोग हो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना. प्रयोग हो तो इससे पहले सीडी आएगी. इससे पहले आने वाली सीडी के साथ दे आएगा. सीडी ही आएगी. आने वाली सीडी यानी कंपेरेटिव डिग्री सीडी से पहले दे आएगा. दे का प्रयोग होगा और इस टू से पहले भी टू आएगा. इसको भी इंपॉर्टेंट करना. और टू से पहले उसकी मर्जी वो उल्टा कर दे क्वेश्चन को तो पहले भी टू आएगा. दूसरा पॉइंट बहुत शानदार बहुत इंपॉर्टेंट. यदि वाक्य में ऑफ द टू प्लस नाउन का प्रयोग हो
तो इससे पहले सीडी आएगी, सीडी आएगी, सीडी आएगी, और ऐसी सीडी से पहले द आएगा, ऐसी सीडी से पहले द आएगा, और ऐसे टू से पहले भी द आएगा, ऐसी सीडी से पहले द और ऐसे टू से पहले द। यदि हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना चाहें तो हम करेंगे द प्लस सीडी पहला पॉइंट प्लस प्लस ऑफ द टू, और कोई भी जो नाउन है उसके साथ वो आएगी। गर्ल्स है, बॉयज है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट समीकरण। यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ और उससे पहले सीडी आएगी, उससे पहले सीडी आएगी तो उस सीडी से पहले द आएगा, और पहला समीकरण जनरली सामान्यतया सीडी से पहले जीरो आर्टिकल, जनरली सामान्यतया कंपैरेटिव डिग्री से पहले जीरो आर्टिकल समीकरण नंबर फर्स्ट ये कहता है, समीकरण नंबर टू ये कहता है। सीडी से पहले क्या कोई आर्टिकल आता है? आपका आंसर होगा सर 98% कुछ नहीं आता है। हाँ 1% में आता है, वो परसेंट 1-2% में आता है जिसका पहला केस है, यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हो तो वहां पर टू से पहले भी द आएगा और उससे पहले जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले भी द आएगा। ये सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। गुलाब दो फूलों में ज्यादा सुंदर फूल है, जल्दी से सेंटेंस बनाइए। गुलाब दो फूलों में ज्यादा सुंदर फूल है। द रोज इज, रोज इज द मोर ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ द टू फ्लावर्स, और गुलाब मैरीगोल्ड से ज्यादा सुंदर फूल है, तो गुलाब मैरीगोल्ड से ज्यादा सुंदर फूल है, तो रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन मैरीगोल्ड। मैंने पहले बोला वो यहां पर जाएगा, दूसरा बोला वो यहां पर जाएगा, और तीसरा शानदार डायनेमिक रूल आपसे क्या कहता है, एक्सप्रेशन में ले रहा हूं मैं, यदि यदि किसी वाक्य के दो भाग हो, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी वाक्य के दो भाग हो, वाक्य के दो भाग हो, दो ये वहां पर दो भाग हो और दोनों की शुरुआत सीडी से हो, ऐसे तो दुनिया भर के भाग होते हैं, और दोनों की शुरुआत, दोनों की शुरुआत सीडी से हो यानी कंपैरेटिव डिग्री से हो, एक वाक्य के दो भाग हो और दोनों की शुरुआत सीडी से हो यानी कंपैरेटिव डिग्री से हो, दोनों भाग की शुरुआत सीडी से हो, कंपैरेटिव डिग्री से हो, तो इंपॉर्टेंट, तो दोनों सीडी से पहले, ये इंपॉर्टेंट, वो किसी एक सीडी का दगा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जरूर, वो चार क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर, तो दोनों सीडी से पहले, दोनों सीडी से पहले, दोनों सीडी से पहले द का आना जरूरी है, द आएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डालना है, एक वाक्य के दो भागों, समीकरण नंबर तीन पढ़ा रहा हूं इंग्लिश जा रहे मैथ्स में, द प्लस सीडी डैश 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 कोमा, हो गया पहला भाग, हो गया फर्स्ट भाग, और द प्लस सीडी हो गया दूसरा भाग, कहानी खत्म। इसको याद रखना, बाकी सारी राम कहानी को भूल जाओ, ये कहानी याद रखनी है उनको पेपर फाइट करने के लिए, और कुछ नहीं है, तीन कहानियां खत्म। अभी आप सुपरलेटिव डिग्री के आर्टिकल से समझ पड़ेंगे तब कहानी अलग आएगी। क्या कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल ए और एन लेती है? ए और एन तो कभी नहीं लेती है। क्या कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल लेती है? पहले पॉइंट में जाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री सामान्यतया कोई आर्टिकल नहीं लेती। बोले सामान्यतया समझ में नहीं आया, बोले 98% के से पूरा खोलो उसका, इतना समझा दो किसी जिद कर रखी है, मेरे को नहीं समझना, समझा के छोड़ेंगे, जिद पकड़ लिया आपने। तो पहला पॉइंट कहता है, क्वेश्चन बनाया हमने, कंपैरेटिव डिग्री और आर्टिकल का क्या संबंध है? सब भूल जाओ, आंसर दिमाग में क्रिएट करो। सर कंपैरेटिव डिग्री और आर्टिकल का ये संबंध है कि सामान्यतया यानी 98% केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। बोले कोई एग्जांपल दो, बोले एग्जांपल लो, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मैरीगोल्ड, कुछ भी फूल, जो भी आपको फूल का नाम हो, वो गेंदे से ज्यादा सुंदर फूल है आपका जो है रोज। हो गया पहला, तैयार हो गया, एग्जाम्पल भी दे दिया, थ्योरी भी समझा दी, सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा, जीरो आर्टिकल प्लस सीडी आएगा, या सीडी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बोले दो केस अपवादित केसेस दिए हैं, ऐसे एक्सप्लेन करना है आपको।
अपवादित केसेस का ए पॉइंट देख रहे हैं आपको, यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हो, उसके पहले कोई कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है वो यहीं पर आएगा, उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। थोड़ा चेंज करो वर्ड को। यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आई है, तो ऐसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा? द आएगा। उसी रोज वाले को बना के लिख दिया, रोज इज द मोर ब्यूटिफुल फ्लोवर ऑफ द टू फ्लोवर्स। वो उसी बात को आप नीचे ले आए, आपने सेकंड में रख दिया। और तीसरा कहता है, आपने 2% केस बोला है, बोले इसका पार्ट बी, इसका 1% केस और जो हमें डिस्कस करना है। किसी वाक्य के कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। दोनों की शुरुआत किससे होगी? सीडी से होगी। ऐसी सीडी से पहले क्या आएगा? तय का प्रयोग होगा। जितना तुम मुझे डांटते हो उतना ही ज्यादा मैं रोता हूं। द मोर यू स्कोल्ड बी द मोर आई वीप। जितना ज्यादा मैं कमाता हूं उतना ज्यादा तुम खर्च करते हो, जितना मैं याद करता है उतना ज्यादा वो भूल जाता है। इस प्रकार एक वाक्य के 2 भाग होंगे, द प्लस सीडी कोमा द प्लस सीडी। इस प्रकार कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ ए और एन कभी यूज नहीं करती है, 98% कोई आर्टिकल यूज नहीं करती है। 2% का पहला भाग सीडी के साथ आने के लिए उस वाक्य में किसका होना जरूरी है? ऑफ द टू का। और दूसरा, उस वाक्य के 2 भाग होंगे, दोनों की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से ही होनी चाहिए और दोनों से पहले तय का आना जरूरी है। 3 पॉइंट क्लियर। फिर एक शानदार पॉइंट लो, जहां पर गलती सारी भारतीय जनता पार्टी करेगी और अभी अभी तो आप भी करोगे। देखिए क्या कहता है। क्लियर आज का टॉपिक? प्रतिवीर क्लियर? दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोबारा यदि कॉपी के हाथ लगाओ तो मेरे पेटीएम पर 100 रुपए भेजते ना, ईमानदारी से। पहला ईमानदारी, गुरु और शिष्यों का संबंध है ईमानदारी वाला। यदि कॉपी के हाथ लगाना पड़े तो ईमानदारी से 100 रुपए भेजना। 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, 3 दिन तक लगा सकते हो। तो जो वो पनिशमेंट होगा ना 100 रुपए का, वो मजबूर करेगा कि नहीं, अब कॉपी के हाथ नहीं लगाना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, राम is मैंने 2 चीजें दी आपको कि आपको इसको टॉल को पढ़ना है और स्टॉक को पढ़ना है, ठीक। एक और एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पर 2 वर्ड दे दिए आपको कि एक लॉग की कंपैरेटिव डिग्री भर दो, एक वाईडी की कंपैरेटिव डिग्री भर दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 2 वर्ड दिए, पहला अट्रैक्टिव और दूसरा मैंने आपको दे दिया चीप। इनकी कंपैरेटिव डिग्री बढ़ी और कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली भर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम इज देन टॉल और स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री, प्लॉट ए इज लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, इनकी कंपैरेटिव डिग्री। दिस बुक इज आकर्षक ज्यादा है सस्ती कम है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर आपको सेन यानी समझदार और जुडिशियस यानी बुद्धिमान, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बढ़नी है। सेन यानी समझदार, तुम समझदार ज्यादा हो बुद्धिमान होने के बजाय। ये हमने किसी को कहा लेकिन ग्रामर के एस्पेक्ट में कहा। आपको कुछ नहीं करना है, चारों में कंपैरेटिव डिग्री बढ़नी, जो बहुत इजीली आप बढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम इज देन, राम लंबा ज्यादा है ताकतवर होने के बजाय। प्लॉट ए लंबा ज्यादा है चौड़ा होने के बजाय। ये जो किताब है अट्रैक्टिव आकर्षक ज्यादा है सस्ती होने के बजाय। और यू आर, तुम समझदार ज्यादा हो बुद्धिमान होने के बजाय। भरवाइए पहले में क्या भरवाएंगे आप, डॉलर और स्टॉक में भर दू? सही तो है, कंपेटिटिव डिग्री आई तो रूल है, बोर आप लगा नहीं सकते, डॉलर स्ट्रॉन्गर पढ़ना है, क्या दिक्कत है? राम इज टॉलर देन स्ट्रॉन्गर, प्लॉट ए इज लॉन्गर देन वाइडर, This book is more attractive than cheaper, or you are more sane than more judicious.
मर्दे क्या हुआ? बॉ क्या? टॉलर देन स्ट्रॉन्ग, चलिए आपकी बात मान लेते एक पल के लिए, फिर उसको स्ट्रॉन्गर बनाने भी क्या प्रॉब्लम है, उसको भी स्ट्रॉन्गर कर दो। यही तो चाहिए, तो सीखा है अपने, जो सीखा वही तो अप्लाई करने को, नई बात थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं। जो सीखा वी अप्लाई ऑन द बोर्ड, राम इज टॉलर देन स्ट्रॉन्गर, प्लॉट ए इज लॉन्गर देन वाइडर, दिस बुक इज मोर अट्रैक्टिव देन चीपर, और यू आर मोर सेफ देन जुडिशियस। यहाँ पर 99.99% यही भरेंगे और राजी हो गए। यदि मेरे को यह भरवाना होता तो मैं इतनी मेहनत ना को करता, इस पर चार सेंटेंस लिखकर कौन सा तीन मारना है। यहाँ पर ग्रामर एक बार फिर एक ऐसा शानदार यू टर्न लेती है जिस पर जब जब क्वेश्चन आया मैक्सिमम लोगों ने गलत किया। अब आपके समझ में आ गया ना सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, सत्यवीर समझ में आ गई ना पूरी दर्द, जीवन का दर्द ये है। क्या आएगा यहाँ पर, ये है तकलीफ। आप कहते हैं ना सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, वो गुरुजी की कृपा से जो पीछे मेंटर खड़ा है ना उसको कितना नॉलेज है सक्सेस का, वो वाली बात है। तो देखिए ग्रामर यहाँ पर एक जबरदस्त यू टर्न लेती है, बहुत गजब, जो हमारी जनरल सोच के जबरदस्त खिलाफ जाता है, और इस सोच को एंट्री देने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आती नहीं दिमाग में। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, राम इज पहले लिख लो फिर इसकी वजह बताता हूं, मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, प्लॉट ए इज मोर लॉन्ग। कल जो मैंने कहा था मैं आज उसी का विरोध कर रहा हूं, कल मैंने आपको मना किया था करने के लिए, ऐसा नहीं करना है, आज करना पड़ेगा क्योंकि रूल कह रहा, हम क्या करें। द बुक इज मोर अट्रैक्टिव देन चीप, देखो चीपर बनाने की इच्छा हो रही है लेकिन क्या करें, ग्रामर ने रोक रखा, हाथ बांध रखे, बांध रखे तो उसकी फॉलो करना पड़ेगा। यू आर मोर सेन देन जुडिशियस, कुछ नहीं करना है, जैसा वर्ड है वैसा लिख दिया। कोई बोलेगा ये तो गलत है, आप किसी से बोलना बोले ऐसे थोड़ी ना होगा यार, स्ट्रॉन्गर लिख, वाइडर लिख, लॉन्गर लिख, चीपर लिख, हाँ मोर अट्रैक्टिव ठीक है, मोर सेन ठीक है, जुडिशियस से पहले बोर्ड लगा, किसी से लिखवा लेना। यदि वो ऐसा नहीं कहे आपको, आप 1000 रुपए मेरे से ले लेना, मैं पेटीएम कर दूंगा आपको, डेड सर्टेन है। सिलेक्शन क्यों नहीं होता है उसकी वजह में जाइए, उसकी डीप में जाइए, इस वजह, ये तो प्री का है, अभी ऐसे भी खेल देना कितना खतरनाक खेलते हैं, ऐसे में बोले ऐसे लिख लेंगे रट कर, लिख लो कौन मना कर रहा है, सिलेक्शन ले लो, अब तो चाहती है सिलेक्शन हो सबका। तो राम इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, तो आपने पूछा कि सर ऐसी मेहरबानी क्यों, कल तो आपने मना किया था कि जिस वर्ग का ER बनता हो उसका आप ER पहले बनाओ, मोर तो लगा ही नहीं सकते आप। आज कहानी में एक जबरदस्त पॉइंट है, आज कहानी में एक जबरदस्त पॉइंट है, आप लोके स्टूडेंट हैं बताइए क्या लैक्यून है इस सेंटेंस में और रोज वाले कहानी में। आप लोके स्टूडेंट हैं, आप मजिस्ट्रेट भी बनेंगे तो आपको दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल पुट टू एंड टू टूगेदर, क्या लैक्यून है। चार्जशीट पेश कर दी पुलिस ने, क्या लैक्यून है इस कहानी में, पहले में तो यह लग रहा है ना, ये तो लग रहा है ना, कहा टाल का टालर बनना है ना, मैं ये तो कह रहा हूं ना, कहानी में क्या ऐसा ट्विस्ट आ गया कि आज आपको ग्रामर ही चेंज करनी पड़ गई, ऐसा क्या ट्विस्ट आ गया कहानी में। हाँ बोलो, दो एग्जेक्टिव है और इसको थोड़ा एलिब्रेट करो, दो चीजों में तो कल भी कर रहे थे। यस दिस इज द पॉइंट, यहां पर कहानी कुछ और है, कल कहानी कुछ और थी, कल आप दो लोगों के एक गुण का कंपेरिजन कर रहे थे, आज आप क्या कर रहे हो, एक वस्तु के दो गुणों की तुलना कर रहे हो, कहानी यहाँ पर यू टर्न इसलिए ले गई। बड़े ध्यान से देखो, आप वकील हो, अपने लेक्चर को इंग्लिश में भी अप्लाई कर दो कि राम के दो गुणों की तुलना हो रही है, एक उसकी लंबाई की, एक मजबूत होने की, उसके सशक्त होने की, यहाँ पर एक वस्तु के दो गुणों की तुलना हो रही है, कल कहानी कुछ और थी, कल कहानी थी दो लोगों के एक वस्तु की तुलना, आज प्लॉट ए की लंबाई चौड़ाई की तुलना हो रही है, कि लंबा है 60 फीट चौड़ा है 30 फीट, कल अलग कहानी थी, कल प्लॉट ए था और प्लॉट बी था, उसका आप लंबाई की कर लो चाहे चौड़ाई की कर लो, इसलिए कहानी आज यू टर्न ले गई। आप एक वस्तु के दो गुणों की तुलना कर रहे हो तो याद रखना ER वाला शब्द कभी काम में नहीं लोगे, इसको प्रिंट कर लेना, मैं आपको फिर कह रहा हूं ER से बना हुआ शब्द कभी काम में नहीं आएगा, चाहे दोनों का ER बने, चाहे दोनों का ER बने,
चाहे एक का ईआर बने एक का ना बने, इससे हमें मतलब नहीं है, चाहे दोनों का नाम, चाहे दोनों का ईआर बने तो भी नहीं बनाना, चाहे एक का ईआर बने तो भी नहीं बनाना, चाहे दोनों का नाम बने तो भी नहीं बनाना, क्योंकि एक वस्तु के दो गुणों की तुलना हो रही है तो ईआर से बना हुआ शब्द कभी भी काम में नहीं आएगा। प्रिंट कर लेना ये रूल, ग्रामर का बहुत खतरनाक और डायनामाइट रूल है। इसलिए सिलेक्शन नहीं होता ना, कितने डीप में जाना पड़ता है तब जाके कहानी खुलती है। लिखा दिया रूल, क्वेश्चन तुम कर लेना, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। आज के रूल को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं हम। एक वस्तु इंपोर्टेंट कर लेना, एक वस्तु के दो गुणों की तुलना, इसको इंपोर्टेंट, दो वस्तु के गुणों की तुलना में अब तक जहां पर आए, अब फिर यूटर्न ले रहे हैं। एक वस्तु के दो गुणों की तुलना, दो गुणों की तुलना, इसको इंपोर्टेंट, एक वस्तु के दो गुणों की तुलना कर दी हो तो ईआर से बना शब्द कभी काम में नहीं आएगा। ईआर से बना शब्द कभी काम में नहीं आएगा, दिमाग में प्रिंट कर लेना, शब्द कभी भी काम में नहीं आएगा, कभी भी यूज नहीं होगा, कभी भी प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग इज अ गुड वर्ड, प्रयोग में नहीं आएगा, प्रयोग में नहीं आएगा, चाहे दोनों का ईआर बने चाहे ना बने, चाहे ये और चाहे दोनों का ईआर बने या ना बने, बनाना ही नहीं है तो फिर अपन इस दिमाग क्यों लगाए, ना बने, चाहे दोनों का ईआर बने चाहे दोनों का ईआर ना बने। मैथमेटिकल समीकरण, एक वस्तु के दो गुण की तुलना, दो गुणों की तुलना, कट्टर दुश्मनी किससे ईआर से, कट्टर दुश्मनी किससे ईआर से, पक्की दोस्ती किससे मोर से, और मोर भी पहले वाले वाक्य में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, मोर इसमें लिख देना, पहले वाला शब्द। ऐसे नहीं दो जगह बोर्ड लगा तो गलती वहां भी हो सकती है। मैथमेटिकल इक्वेशन, एक वस्तु के दो गुणों की तुलना करनी हो तो ईआर से बना शब्द कभी काम में नहीं आएगा, मोर से बना शब्द पहले शब्द के पहले आएगा। और आप अपनी ये चीज मैंने कहा था कल बोर्ड में अप्लाई करेंगे, ये बोर्ड लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, तो दिस बोर्ड इज मोर लॉन्ग देन वाइड। इच्छा अभी भी करेगी ईआर लगा दें, इच्छा से काम नहीं होता है। ग्रामेटिकल कंसेप्ट के पास जाइए। एक वस्तु के दो गुणों की तुलना करनी हो तो ईआर से बना शब्द कभी भी प्रयोग में नहीं आएगा, चाहे दोनों का ईआर बने चाहे दोनों का ई, भूल जाओ वहां पर कट्टर दुश्मनी बोल दिया ना। एक वस्तु के दो गुणों की तुलना, ईआर का शब्द कभी काम में नहीं आएगा, जानते नहीं ईआर को भूल गए, इस कहानी में ईआर को भूल गए, ईआर आता ही नहीं है। चाहे दोनों शब्दों का ईआर बने चाहे एक का ईआर बने चाहे दोनों का ना बने, और 99% कह रहा हूं यहाँ पर ईआर वाला वर्ड टिक करके आएंगे लोग, बोले बहुत इजी सेंटेंस था, बोले क्या आया था, बोले प्लॉट ए इज लॉन्गर देन वाइडर। अरे इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, उसने आपको फंसा दिया वो इजी दिखाकर, ऐसा भ्रमजाल बना दिया आपके सामने कि उसमें फंस कर आप राजी भी हुए कुछ पल के लिए, लेकिन ग्रामर ने वहां पर आपको किसे कहते हैं बूमी टेस्ट लगा रखा है, मारुति सुरंग लगाए और आप विस्फोटक हो गए, डायनामाइट हो गए। चले एक रूल और करते हैं जिसमें सात रूल एक साथ बता देता हूँ, सात पॉइंट का एक फॉर्मूला, झंझट खत्म। एक वाक्य के थ्रू, एक वाक्य आया, क्या वाक्य आया देखिए आप, वाक्य लिखा हमने, राम इज टालर देन शाम। वो उससे बड़ा है, ठीक है। फिर हमने लिखा ही इज ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, देन यू, वो तुमसे वरिष्ठ है। अब आपसे ग्रामर ये एक्सपेक्ट करती है कि आपने सीनियर भरा तो इसके साथ क्या यूज करना है,
आपने बोल दिया सर सी अर्थ है, सही तो है, कंपेरिजन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सात और सात 14 रूल्स एक साथ जा रहे हैं आपके पास, तो याद रखना है आपको, राम इज डालर देन श्याम, ये हमारा सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम एक इंसान, श्याम एक इंसान, टालर के साथ कोई विशेष केस नहीं है, टालर कर दिया, कोई स्पेशल केस नहीं है, उपधा टू भी नहीं है आपका, जिसे कहते हैं कि एक वस्तु के दो गुणों की भी तुलना नहीं है। राम एक आदमी है, श्याम एक आदमी है, उनके एक गुण की तुलना हो रही है, टालर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर, अब यहाँ पर देखो फिर एक ग्रामर बड़े खतरनाक बोर्ड पे खड़ी है, बोले सीनियर सर ये कंपेरेटिव डिग्री कैसे हुई है बताओ आप, ना तो इसमें ईआर लगा रखा है ना इसमें बोर्ड लगा रखा है, ये कंपेरेटिव डिग्री कैसे हुई आप ये समझाओ हमें। तो ग्रामर कहती है एक जबरदस्त बोर्ड पे खड़ी है कि मैं आपको 7 शब्द दे रही हूँ, टोटल 7 वर्ड दे रही हूँ, जिनमें ना पीछे ईआर होगा ना आगे बोर होगा, और इतना जबरदस्त ये खतरनाक जो है टकराती है ग्रामर से, देखिए कितना खतरनाक टकराएगी, क्या कह रहा है सीनियर, कहता है मैं कंप्लीटली एक आपकी कंपेरेटिव डिग्री हूँ। सीनियर का मतलब वरिष्ठ, सीनियर का मतलब अपने से बड़ा, उम्र में आपके ओहदे में किसी में, एसपी जो है एसएचओ से सीनियर होता है, सीधी सी बात है, डीआईजी उससे सीनियर होता है, तो आपने कहा ही इज। फिर ग्रामर कहती है ये क्या कहता है, इस वर्ड ने जिद पकड़ रखी है कि मेरे साथ ईआर नहीं लगाओगे आप, ठीक है मैडम, मेरे से पहले बोर भी नहीं लगाओगे आप, ठीक है मैडम, और आदेश मेरे से पहले आप दैट भी नहीं लगाओगे, तीन चीजों से प्रॉब्लम है मैडम, और मैडम अकेली थोड़ी है, 7 सिस्टर्स ही है, 7 बहने अभी वो उनके रख रही, और ले लो सीनियर के बाद देन नहीं आएगा, मना करती है कि मैं अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री हूँ, तो मैडम यार कहे तेरा नहीं है तो नहीं है, मुझे बुलाओ भी मत, मुझे कंपेरेटिव डिग्री थी मानती हो तो बुलाओ भी मत, मैं कब आपके दोहरे खा रही हूँ कि साहब बुलाओ। वो कहती है सीनियर मैं अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री हूँ, तो मैडम तेरा ईआर कहाँ है, बोले नहीं है दादागिरी है, बोले बोर कहाँ है, नहीं लगाना, तो देन तो लेगी ना, देन भी नहीं लगाना। मर्जी हो तो बुलाओ, नहीं मर्जी है तो छोड़ दो, वो अपने से कोई रिक्वेस्ट नहीं करती, लेकिन गरज हमारी है, नीड हमारी है, बुलाना पड़ेगा, सीनियर से पहले बोर्ड नहीं, सीनियर से पहले और सीनियर के बाद ईआर नहीं, और सीनियर के बाद देन नहीं, और मानती है अपने आप को मैडम कंप्लीटली कंपेरेटिव डिग्री, नखरे करती है पूरे के पूरे सीडी वाले, झेलने पड़ेंगे क्योंकि आरजेएस बनना है तो मैडम को झेलना पड़ेगा, और एक के बदले 14 रूल, 14 रूल्स एक साथ आपके पास, 14 रूल्स एक साथ आपके पास, 14 गुना स्पीड चल रही है लोगों से। हमने एक फॉर्मूला बनाया, जागृति शर्मा की पेप्सी, पेप्सी पीती है जागृति शर्मा, इसके साथ कभी भी टू नहीं आएगा, इसके बाद हमेशा देन आएगा, सॉरी हमेशा टू आएगा, कभी भी देन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा पहला पॉइंट, इसके बाद ईआर नहीं आएगा दूसरा पॉइंट, इसके बाद टू आएगा तीसरा पॉइंट, और इससे पहले क्या नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा। आज का ये समीकरण आपको 4 क्वेश्चन दे रहा है, देखो कितना गजब समीकरण है, एक लाइन में 14 क्वेश्चन ले रहे हो आप, सिंगल लाइन में 14 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके। जागृति शर्मा की पेप्सी के साथ क्या कहानी है, मेरे साथ देन नहीं आएगा, मेरे साथ ईआर नहीं आएगा, अपने आप में कंप्लीटली मैं कंपेरेटिव डिग्री हूँ, मैं टू को पसंद करती हूँ, मैं बोर को पसंद नहीं करती, तीन चीजों से पसंद नहीं करती है, बोर को पसंद नहीं करती, ये देन को पसंद नहीं करती, ये ईआर को पसंद नहीं करती, तीन लोगों से कट्टर दुश्मनी मैडम की है तो है, हम क्या करें, टू से दोस्ती है, उतारो जागृति शर्मा की पेप्सी को, खोल दो, एलिमिनेट कर दो। पहला वर्ड है जूनियर, अपने से छोटा, सीनियर अपने से वरिष्ठ, उम्र में पद में किसी भी चीज में, पी फॉर प्रीफर, इसको इंपोर्टेंट कर लेना एग्जाम में आता है, प्रीफर, आई प्रीफर, आई प्रीफर कॉफी टू टी, आई प्रीफर कॉफी टू टी, मैं टी ज्यादा पसंद करता हूँ कॉफी के बजाय, मुझे ब्लू कलर पसंद है व्हाइट के बजाय, प्रीफर देन नहीं आएगा, टू आएगा दोनों के बीच में, प्रीफर आ गया, एल्डर कल पढ़ा था, एल्डर टू, प्रिफरेबल पसंद करने योग्य है, प्रीफरेबल पसंद करने योग्य है, पी फॉर प्रिफरेबल पेप्सी है ना, एस कोर बुलाओ, सुपीरियर अच्छी किस्म का, सुपीरियर
अच्छी किस्म का और इंफीरियर बहुत ही खराब किस्म का। ये जागृति शर्मा की पेप्सी के साथ डैन नहीं आएगा, डैन ईआर और मोर कभी नहीं आएगा। 7 और 7 14 क्वेश्चन, 14 का ईआर तो लेगा ही नहीं है, 14 क्वेश्चन तो घुमा गया आप, हमेशा 2 आएगा। 1 साथ 14 क्वेश्चन आपके सामने, 1 साथ। जागृति शर्मा की पेप्सी, जूनियर सीनियर प्रिफर एल्डर प्रेफरेबल सुपीरियर इंफीरियर। आप कहो तो पूरी लो आपके लिए मैथमेटिकल बना दे, पूरी मैथमेटिक्स से उतार दे लो को भी, ऐसे मेरे को फॉर्मूला वाइज बड़ा पसंद आता है। जूनियर सीनियर प्रिफर, ये ढूंढते रहो सारी जिंदगी ढूंढते रहो, कुछ नहीं आता है। जूनियर अपने से छोटा, सीनियर अपने से बड़ा, प्रिफर पसंद करना, एल्डर ब्लड रिलेशन में जो है बड़ा, प्रिफेबल पसंद करने योग्य, सुपीरियर अच्छी किस्म का, इंफीरियर खराब किस्म का। राज पंजाब का गेहूं, पंजाब का गेहूं राजस्थान के गेहूं से अच्छी किस्म का है। वीट सॉरी वीट ऑफ पंजाब, वीट ऑफ द पंजाब इज सुपीरियर टू, सुपीरियर टू दैट ऑफ राजस्थान। मैंने दैट ऑफ बोला, इसमें बहुत बड़ा जो है आफत वाला काम है। क्यों बोला है दैट ऑफ, बहुत गजब का रूल है। तो जागृति शर्मा की पेप्सी आपने कहाँ पढ़ी? जागृति शर्मा की पेप्सी आपने एग्जेक्टिव में पढ़ी। क्या कहती है जागृति शर्मा की पेप्सी? मैं कंप्लीटली कंपेरेटिव डिग्री हूँ। तो मैडम यार कहाँ है? बोले मुझे पसंद नहीं। बोले मैडम बोर कहाँ है? बोले मुझे पसंद नहीं। मैडम तेरा दैन कहाँ है? बोले अपन को पसंद नहीं। बस हो गया, टू आएगा, टू आएगा, देन कभी भी नहीं आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बर्बाद करने के लिए सफिशियंट हैं। जूनियर सीनियर प्रीफर एल्डर प्रीफेबल सुपीरियर इंफीरियर के को 3 लोगों से, जागृति शर्मा की पेप्सी को 3 लोगों से कट्टर दुश्मनी है, नफरत है, हेजिटेशन है, लुक डाउन अपन करती है, टर्न अप नोज करती है, नफरत करती है, हेट करती है, डिस्पाइज करती है, कुछ भी करती है। लेकिन 3 लोग कौन कौन से है? बोर्ड नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, ईआर नहीं आएगा, फिर भी अपने आप को कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। मैडम कंपेरेटिव डिग्री कैसे है? बोले मानती हूँ मैं तो, मानो तुम्हें माना, तो मानो नहीं माना क्वेश्चन गलत करो। तो क्या पसंद करती है? टू पसंद करती है। बोले मैडम सीढ़ी के साथ तो देन आता है। बोले आता होगा नॉर्मल शब्दों के साथ, 7 शब्दों के साथ नहीं आता। इन 7 बैडों का घमंड एरोगेंसी बहुत ज्यादा है। बोर्ड नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, ईआर नहीं आएगा, तो आएगा क्या? टू आएगा जागृति शर्मा की पेप्सी के साथ। आए आज के खतरनाक रूल पढ़ने में मजा। ग्रामर इसी का नाम है, उस चिड़िया का नाम है जिसका गला कंट्रोल में कर लो पूरी ग्रामर आपके कंट्रोल में रहेगी। यदि आपने इसका, इसको क्या बोलते हैं, जुगुलर बोलते हैं, यदि आपने इस नस को दबा लिया, तोते की गर्दन को पकड़ लिया, पूरी ग्रामर आपके पास है। आइए आज का पेपर आपके पास है, नहीं है क्यों? वो पेपर से मैं आपके रूल्स का रिवीजन करवा देता, ये लैक्सिटी भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। पेपर आगे रूल होगा, मैं एक एक ग्रामर के पॉइंट को रूल के थ्रू खोलना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक रूल और बता दूं फिर इसी बात पे, एक रूल और याद हो गए करा दूं। एक रूल और बहुत बहुत खतरनाक, बहुत शानदार रूल है। एक रूल बहुत खतरनाक जिसमें फिर एक गलती होने की संभावना। छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है कि मैंने आपने लिख दिया, यहां पर लिख दिया, द क्लाइमेट इज दैट जोधपुर। सत्यवीर बताओ क्या आएगा? जोधपुर, और यहां पे लिख दिया मैंने हॉट की कंपेरेटिव डिग्री लिख रही है। क्लाइमेट ऑफ जयपुर, जयपुर की जो क्लाइमेट है ना वो जोधपुर से गर्म है, कंपेरेटिव डिग्री बढ़नी है और कुछ नहीं करना है। बढ़ोगे होटल बढ़नी है, बढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थली, राजस्थली आर देन कोई से भी लॉ इंस्टीट्यूट कर देते हैं, जोधपुर लॉ इंस्टीट्यूट, इसका नाम नहीं लिखते अपन, जोधपुर लॉ इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अभी मैंने आपसे बोला, कुछ नहीं बोला, एक सिंपल सी बात बोली आपको कि इंटेलिजेंट को बढ़ना है, इंटेलिजेंट की कंपेरेटिव डिग्री बढ़नी है।
कुछ नहीं किया आपने, आपने कहा कुछ नहीं है सर, आज तक पढ़ते हैं, वो तो यूज करना है। क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन जोधपुर, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, बहुत प्यार से क्या कर दिया, मोस्ट सॉरी मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि दवा तो लगेगा नहीं, मोर इंटेलिजेंट। राजस्थली के जो स्टूडेंट है वो जोधपुर लॉ इंस्टीट्यूट के से ज्यादा जो है उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है यहाँ के स्टूडेंट्स, और जयपुर की जलवायु जोधपुर से ज्यादा गर्म है। क्या दोस्तों सही है क्या सेंटेंस, बड़े ध्यान से देखो, बहुत बार बोलते हुए आई, ये बोला आज तक अपने बोला क्या, ये तो बोल रहा है द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन, इज और लगा तो रह गया, इज हॉटर देन जोधपुर, जयपुर की जलवायु जोधपुर से गर्म है, राजस्थली के स्टूडेंट जयपुर जोधपुर लॉ इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट से ज्यादा क्या है इंटेलिजेंट है, बताओ सेंटेंस सही है तो क्यों, गलती है तो क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट को जवाब देना चाहेंगे आप लोग, दिमाग लगाइए ऑनलाइन स्टूडेंट, बड़ा शानदार है, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है। जयपुर की जलवायु जोधपुर से गर्म है, जयपुर एक जलवायु आ गई, जोधपुर आ गया, होटर आ गया, क्या प्रॉब्लम है, सही तो होटर होटर होता है, बिल्कुल होता है, और इंटेलिजेंट होता है, बिल्कुल होता है, क्या दिक्कत है, बताओ अरमान क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको, फिर हिंदी में बोलो। एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्यों आएगा देखो ये नहीं पता, अरे बड़े ध्यान से हिंदी में बोलो आप, बड़े ध्यान से सेंटेंस को हिंदी में बोल के देखो, जयपुर की जलवायु जोधपुर से गर्म है, फिर बोलो, आप तो लोकल स्टूडेंट है ना, चार्शीट में आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे जजमेंट की ऐसे क्या पॉकेट की तरफ निकालोगे, निकालो ऐसा जजमेंट देना कि दुनिया देखे क्या जजमेंट दिया है ना, इधर के वकील की सुन ना इधर के लोग उड़ा के फेंक देना बिल्कुल फाइल को, फिर बोलो सेंटेंस को, जयपुर की जलवायु जोधपुर से गर्म है, क्या नजर आ रहा है आपको, तो जोधपुर की जलवायु तो है ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये है ना, मैं जोधपुर जोधपुर बोल रहा हूँ बार बार, मेरा वर्डिंग सुनिए आप, ध्यान से सुनिए आप, जयपुर की जलवायु जोधपुर से गर्म है, मैं क्या कर गया, जयपुर की जलवायु की तुलना जोधपुर से की है, जोधपुर की जलवायु कहाँ है, जोधपुर की जलवायु कहाँ है, ये बार तो मैं बोल ही नहीं रहा, और बोल भी दिया तो दिक्कत आ रहा है, ये तो जोधपुर आ रहा है बार बार, ये तो जोधपुर आ रहा है बार, तो आपने क्या कहा सर, क्या दिक्कत है, आप ऐसा करो ना, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर कर दो ना, लेकिन यहाँ पर मैडम ग्रामर अट जाती है कि क्लाइमेट दोबारा नहीं लिख रहे दूंगी, अब कहाँ जाए, ये लिखते हैं तो गलत, वो लिखने नहीं देती है, अब क्या करें, फंस गए हम तो बहुत जबरदस्त चक्कर में, ये लिखते हैं तो नंबर जाते हैं, वो लिखते हैं तो नंबर जाते हैं, ग्रामर ने अड़ गई बिल्कुल, क्लाइमेट तो किसी हाल में दोबारा नहीं लिखने दूंगी, क्या आएगा द सेम, और बताओ यहाँ पर स्टूडेंट को दोबारा नहीं लिखने दे रहा, द स्टूडेंट ऑफ राजस्थली आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स ऑफ जोधपुर लॉ इंस्टीट्यूट, वो स्टूडेंट्स को दोबारा नहीं लिखने दे रहा, कहानी बहुत जबरदस्त रूप से फंसी है, लेकिन ग्रामर ही अड़ी है, ग्रामर ने इसका सोल्यूशन दिया, ये क्या कहती है क्लाइमेट को दोबारा मत लिखो, स्टूडेंट्स को दोबारा मत लिखो, लेकिन ये बात होते हैं ना, क्लाइमेट अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल नाउन है, ये तो नजर आ गया ना, बस इसी को कहानी बना के हिट करते हैं आज का बड़ा शानदार यू टर्न वाला खतरनाक रूल, यदि आप तुलना कर रहे हैं किसी भी चीज के गुणों की तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, यदि तुलना होती है दो लोगों में, यदि दो में दो गुणों में, दो गुणों में तुलना होती है, दो गुणों में किसी भी चीज के दो गुणों में तुलना होती है तो तुलना स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट इस वर्ड को अंडरलाइन करना, स्पष्ट होनी चाहिए, यानी बोले नहीं आया समझ में, अभी तो खोल दो रूल को, एक वचन में तुलना हो, एक वचन में तुलना हो तो देन के बाद, ये तो इंपॉर्टेंट, देन के बाद डेट ऑफ आएगा, डेट ऑफ आएगा, और यदि बहुवचन में तुलना हो, स्टूडेंट्स वाले में बहुवचन में तुलना हो तो
डैन के बाद डोज ऑफ आएगा। राजस्थली वाले में डोज ऑफ करना, क्लाइमेट वाले में दैट ऑफ करना। डैन के बाद, डैन के बाद, डैन के बाद डोज ऑफ आएगा। बहुत शानदार, बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, गलत बहुत शानदार तरीके से होता है। दो गुणों में तुलना, दो गुणों में तुलना एक वचन में हुई, एक वचन तो प्लस कर दिया दैट ऑफ, और बहुवचन में तुलना हुई, बहुवचन में तुलना हुई तो प्लस कर दिया डोज ऑफ। इंपॉर्टेंट कर लेना इस समीकरण को, ग्रामर की जान है, ग्रामर की हार्ट ब्रीथिंग है, ग्रामर का जबरदस्त रूल है। एक वचन में तुलना हुई तो तुलना होगी, दो गुणों में तुलना है करनी है, तुलना स्पष्ट होनी चाहिए। एक वचन में दैट ऑफ, बहुवचन में डोज ऑफ, एक वचन में दैट ऑफ, बहुवचन में डोज ऑफ। एक एक एग्जाम्पल दोनों का, एक एक एग्जाम्पल। द साइज ऑफ योर हाउस, ऑफ योर हाउस इज स्मॉलर, स्मॉलर कंपेरेटिव डिग्री आ गई, स्मॉलर उसमें तो कोई कहानी नहीं है, देन देन दैट ऑफ माई हाउस, दैट ऑफ माई हाउस। यहां पर दैट ऑफ में साइज अपने आप आ गई, यहां पर दैट ऑफ में साइज अपने आप आ गई। नंबर टू, The soldiers of Pakistan, the soldiers of India, the soldiers of India, India देश का नाम है, काफी केसेस में देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं। The soldiers of India are braver, ब्रेव की ब्रेवर बनती है, then लगाया, then लगाया, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। Soldiers दोबारा लिख नहीं सकते, लेकिन तुलना soldiers में हो रही है, इंडिया, इंडिया के सोल्जर और पाकिस्तान में नहीं हो रही है। द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन, ब्रेवर देन डोज ऑफ, डोज ऑफ, डोज ऑफ पाकिस्तान। इसको कहते हैं ग्रामर, इसको कहते हैं अप्रोप्रिएट चैनल पे चलना। क्या काम आएगा, कैसे काम आएगा, वक्त बताएगा हम क्या बताएंगे। पहले वाक्य में साइज और साइज में तुलना हो रही है, इसलिए दैट ऑफ क्यों आया, साइज को दोबारा बताने के लिए। बोले सर साइज भी तो लिख सकते थे ना दोबारा, ग्रामर परमिशन नहीं देती है, तो ग्रामर का वॉल्यूशन तो कर ही नहीं सकते, कह दिया जो कह दिया, पत्थर पे लकीर है। दूसरे वाक्य में बोले सर सोल्जर को लिख दो, हमारी बात तो आ गई ना, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान से तुलना हो रही है। पहला आपने लिखा द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन पाकिस्तान, भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों से ज्यादा बहादुर होते हैं, तो आपने भारत के सैनिकों की तुलना पाकिस्तान से कर दी, जो गलत हो गया। फिर आपने दोबारा लिखा इसी को सही करके, द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें ग्रामर नाराज हो गई। आपकी बात तो आ गई, जो आप कहना चाहते थे वो तो आ गई, लेकिन ग्रामर का वॉयलेशन हो गया, ग्रामर आपसे नाराज हो गई, बोली पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तो तीसरी ट्रिक लगाई कि सोल्जर्स हमारा बहुवचन है, इसको दोबारा दिखाने के लिए हम डोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, साइज या क्लाइमेट हमारा एक वचन है, इसको देन के बाद दोबारा दिखाने के लिए, देन के बाद दोबारा दिखाने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, देन के बाद दोबारा दिखाने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इस दैट ऑफ में साइज शामिल है, इस डोज ऑफ में सोल्जर शामिल है, यानी अब पाकिस्तान के सैनिकों की तुलना भारत के सैनिकों से हो रही है। आपके मकान के साइज की तुलना, आपके मकान के साइज की तुलना मेरे मकान से नहीं, मेरे मकान के रंग रूप प्राइस से नहीं, मेरे मकान की साइज से हो रही है। तो यही रूल कहता है, यदि दो गुणों में तुलना हो रही हो, तुलना स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मतलब एक वचन में तुलना हो रही हो तो देन के बाद क्या आएगा, दैट ऑफ, और बहुवचन में तुलना हो रही हो तो देन के बाद क्या आएगा, दोजो। मैथमेटिकल इक्वेशन, दो गुणों में तुलना एक वचन में हो गई तो उस एक वचन को दोबारा दिखाने के लिए क्या आएगा, दैट ऑफ आएगा, और बहुवचन को दिखाना है तो आपका दोजो आएगा, बहुवचन को दिखाना है तो दोजो आएगा। इसी को मैंने अभी बोला था, लास्ट हमारा सेंटेंस जो आपने बोला, वीट ऑफ द पंजाब,
बीट ऑफ द पंजाब, पहला रूल पंजाब से पहले तो आएगा, पांच नदियों का संगम है। बीट ऑफ पंजाब, पंजाब का गेहूं। बीट ऑफ पंजाब इज, बीट ऑफ पंजाब इज, बीट ऑफ पंजाब इज सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, देन नहीं आएगा यहां पर, सुपीरियर टू, फिर दूसरा रूल, बीट ऑफ पंजाब इज सुपीरियर टू दैट ऑफ, दैट ऑफ राजस्थान। ग्रामर ने कितने टर्न ले रखे हैं आप खुद देख लो। पंजाब से पहले दे ले गई, राजस्थान का देखा गई। दैट ऑफ वीट को वापिस शो कर रहा है। वीट एक मेटीरियल नाउन है, ये भी आपका आर्टिकल नहीं लेगा, विशेष परिस्थितियों में लेगा। वीट ऑफ द पंजाब इज सुपीरियर टू दैट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे लगा सकते हो कि यहाँ पंजाब का वो कह रहे हो, यहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि स्पेशल है इसलिए, वैसे नहीं लेगा जनरली। पंजाब का वीट कह दिया ना आपने, पर्टिकुलर कर दिया, स्पेशल कर दिया, तो पंजाब से पहले भी दे ले गया, वीट से पहले भी दे ले गया, क्योंकि पर्टिकुलर कर रहे हो। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द वीट ऑफ द पंजाब इज सुपीरियर टू दैट ऑफ राजस्थान। ग्रामर देखो कितनी जगह रोटेट हुई है। वीट एक मेटीरियल नाउन है, आर्टिकल लेती भी है, नहीं भी लेती। पूरे भारत में पंजाब दे लेगा, पांच नदियों का संगम है। सुपीरियर जागृति शर्मा की पेप्सी के घर से आया, दे नहीं लेता, ईआर नहीं लेता, बोर नहीं लेता। 14 क्वेश्चन तो यही कवर कर दिए। पंजाब वाला 15, बीच वाला 2 क्वेश्चन, 17, राजस्थान से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, 18, और डेट ऑफ वाला 19। एक छोटे से सेंटेंस में 19 क्वेश्चन है इनडायरेक्ट। तो आपने कहा कि यदि दो वस्तु के, सॉरी, दो गुणों में तुलना हो तो तुलना कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। एक वचन में तुलना हो तो डेट के बाद क्या आएगा? डेट ऑफ आएगा। और बहुवचन में तुलना हो रही है तो डेट के बाद क्या आएगा? क्लियर आज का सेशन? मजा आ गया, एंजॉय करो। ऑनलाइन फ्रेंड्स क्लियर? ऐसे ही अपडेट करते रहो, ऐसे ही पसीना बहाते रहो, देखो इतिहास लिख जाओगे। थैंक यू वेरी मच।